एक हीरा व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था, किंतु गंभीर बीमारी के चलते अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वो अपनी पत्नी और बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ये पत्थर छोड़ गए थे, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगा। ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? युवक ने पूछा। देना ही है तो दो गाजरों के बदले मुझे ये दे दो, तौलने के काम आएगा, सब्जी वाली बोली। युवक आगे बढ़ गया। इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जानना चाही। दुकानदार बोला, इसके बदले मैं अधिक से अधिक 500 रुपए दे सकता हूँ, देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। युवक इस बार एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर के बदले 20,000 देने की बात की। फिर वह हीरे की एक प्रतिष्ठित दुकान पर गया। वहां उसे पत्थर के बदले 1,00,000 रुपए का प्रस्ताव मिला और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। विशेषज्ञ ने ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक अमूल्य हीरा है, करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी कदर वही लोग करते हैं जिनको हमारी कीमत का पता होता है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए जब कोई हमारी कदर नहीं करता, क्योंकि उनको हमारी कीमत का पता नहीं होता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।